तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से अल्कोहल्स फिनॉल एंड ईथर के चैप्टर में। तो यहाँ पर आज सवाल जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.1 है, जिसमें कि स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और उनके आईयूपीएसी नेम आपसे पूछे गए। ठीक है, आईयूपीएसी नेम का तो बेसिक जो भी आप फॉर्मूला या तरीका होता है वो तो आप जानते ही होंगे। हम लोग आज उन्हीं से आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अगर आप भी लिखे हो और मिला रहे हो आंसर, तो मिला करके आप देख सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए और सीख भी सकते हो यहाँ से। ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हम लोग को कार्बन चेन ढूंढना होगा। इसमें सबसे कार्बन चेन है वो एकदम स्ट्रेट चेन है, यही हमारा मेन कार्बन चेन बन जाएगा। अब काउंटिंग किस साइड से, तो फंक्शनल ग्रुप को पहले देखेंगे। ये है फंक्शनल ग्रुप जो कि बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है, थर्ड पोजिशन पर। थर्ड पोजिशन तो कहीं भी कर सकते हैं, बट ब्रांच की यहाँ पर नंबर देखें तो इधर से मिथाइल, यहाँ मिथाइल, दो मिथाइल इस सेकेंड वाले पोजिशन पर है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग काउंटिंग इस तरफ से करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है नॉमेनक्लेचर का, उसमें सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स दैट मीन्स ब्रांच को लिखते हैं, जूनियर को। फिर हम लोग साइक्लो वगैरह है तो वो लिखते हैं। फिर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन पैरेंट चेन में जो है वर्ड रूट में वो लिखते हैं। फिर हम लोग बॉन्ड के बारे में लिखते हैं, एन इन आइन, 1 डिग्री एस प्राइमरी सफिक्स में, और फिर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में मेन फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले ब्रांच को लिखेंगे, तो 2 2 पर यहाँ पर है और 4 पर है, तो 2 2 4। 3 मिथाइल है तो प्रीफिक्स ऐड कर देंगे ट्राई मिथाइल। फिर साइक्लो तो नहीं है, वर्ल्ड रूट में 5 कार्बन के लिए पेंट ले लेंगे, और 1 डिग्री एस में हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए एन ले लेंगे, और एन का ई नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पर है, 3 पर ऑल लिख देंगे। ध्यान दें यहाँ पर, जब लास्ट पॉइंट वॉवेल हो, इसका स्टार्टिंग वॉवेल से है, तो पहले वाले वॉवेल को मिटा दिया जाता है, ठीक है ना, इसलिए ई नहीं लिखे हैं उसका। ठीक, इस तरफ से अगर देखें काउंटिंग, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इस साइड से है, तो यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी जा सकते हैं या 6 7 आप इधर भी आ सकते हैं, दोनों सेम लेंथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी CH2 CH3 है, यहाँ भी CH2 CH3 है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ब्रांच में इथाइल आया 5 पर, और तो कोई ब्रांच जूनियर है नहीं, तो 5 पर इथाइल आ गया है, तो लिख दिए 5 इथाइल। ठीक है, उसके बाद 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एस में 2 और 4 पर, ठीक है, 2 और 4 पर 2 ऑल है तो डाई ऑल लिखेंगे। ओ एच के लिए ऑल लिखते हैं तो 2 है, तो प्रीफिक्स डाई ऐड कर दी, और चूंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ का ई नहीं मिटा है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 है, कोई ब्रांच नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट स्टार्ट करते हैं तो ब्यूट यहाँ पर हो जाएगा एन सिंगल बॉन्ड के लिए, और 2 3 पर क्या हो जाएगा, 2 ऑल है तो डाई ऑल ले लेंगे, यहाँ पर ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल, या फिर 2 3 ब्यूटेन डायऑल भी बहुत लोग लिखता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सेम पोजिशन पर है 1 2 3, ये हो जाएगा 1 प्रोपेन हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा प्रोपेन, यहाँ लिख देते हैं इसका प्रोपेन 1 2 एंड 3 ट्रायऑल, 1 2 3 ट्रायऑल। इसी को ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ग्लिसरॉल भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ फिनॉल की बात करते हैं, तो यहाँ फिनॉल में ओ एच ग्रुप यहाँ से काउंटिंग होगा, और प्रायोरिटी दी जाएगी डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड इधर से है तो इधर से काउंटिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर आ गया मिथाइल, 2 मिथाइल। अब बेसिकली बात बतलाते हैं आपको हम, सभी जो है बेंजीन में साइक्लो, 1 डिग्री पी में साइक्लो, हेक्सा 1 3 5 ट्राइइन तो आएगा ही आएगा, और 1 पर ऑल आएगा। तो याद रखिएगा, साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राइइन को बेंजीन या फीन लिख सकते हैं, या एरीन लिख सकते हैं, और फीन में ऑल लगा दोगे तो इसी को फिनॉल बोलते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली फिनॉल बोल सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल इसका नाम हो गया। उसी प्रकार से इसका नाम 4 मिथाइल फिनॉल होगा, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, देख कर अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए अच्छे से, तो यहाँ पर यहाँ से काउंटिंग होगा, वन यहाँ पर है और डबल बॉन्ड इस साइड आया हुआ है, तो काउंटिंग टू इधर जाएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 2 और 5, 2 5 डाई मिथाइल, और ओवरऑल क्या है, फिनॉल है, सब तो फिनॉल ही है, बेंजीन पर अगर ओ एच तो फिनॉल है। यहाँ पर क्या है, वन यहाँ शुरू होगा और प्रायोरिटी इधर से है डबल बॉन्ड, 2 3 4 5 6, तो 2 6 डाई मिथाइल और वही चीज है फिनॉल। तो यहां पर 8 नंबर तक तो कर दिए हम, आप इसको नोट कर सकते हो, थोड़ा सा कचरा लग रहा होगा देखने में, लेकिन मेरे ख्याल से एडजस्ट कर लोगे तुम लोग, ठीक है। कहीं कुछ नहीं दिख रहा हो तो कमेंट में बताना, कोशिश करेंगे उसको हम रिप्लाई करने का, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लिए हो ना, हम इसको इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, इतने दूर को हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि ख्याल रखिएगा, बस वही बात है, बेसिक रूल्स हो गए, बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा तो अपने आप काम दे देगा। प्रैक्टिस होता है, इस प्रकार प्रैक्टिस होता है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब रटने वाली चीज थोड़ी ना है, प्रैक्टिस है। अगला क्वेश्चन यहाँ से है, क्या कहते हैं, 9 नंबर से ना, तो 9 में यहाँ पर है क्या चीज, 9 में है CH3, यहाँ पर है O है, यानी ईथर का ग्रुप है, नहीं CH2, CH इधर है हमारा CH3 और ये हमारा CH3 है। तो मेन कार्बन चेन क्या हो गया, ये हो गया मेन कार्बन चेन, ये हो गया, ये पूरा का पूरा ईथर जो होता है वो 2 डिग्री पी पर ही लिखा जाता है, यानी ब्रांच की जगह पर ये नहीं होगा ईथर में, ठीक है। तो इस OCH3 को मिथॉक्सी पढ़ेंगे, और ये हमारा मिथाइल है, तो मिथॉक्सी भी एक तरफ है और एक तरफ मिथाइल भी है। तो मिथॉक्सी होता है MeTHOXY, और मिथाइल होता है MeTHYL। ओ पहले की वाई पहले, यहां से देखोगे ये तो कॉमन है, तो ओ पहले होता है तो काउंटिंग यहां से होगा, 1 2 3, इस तरह से 1 पर हो गया मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, 2 पर हो गया मिथाइल, पेरेंट चेन में 3 कार्बन हो गया प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री इसमें क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। देखो ना यहाँ पर, ये तुम्हारा 2 डिग्री पी में ये पूरा आ गया, 2 डिग्री पी, ये तुम्हारा आ गया वर्ड रूट, ये आ गया 1 डिग्री एस, 1 डिग्री पी भी नहीं है, 2 डिग्री एस भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मिथॉक्सी और मिथॉक्सी आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, ये हमारा आइसोब्यूटेन रेडिकल है, सॉरी आइसोब्यूटाइल रेडिकल है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, मिथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर, बट वो कॉमन नेम में चल जाएगा, आईपीएससी नेम इस तरह से हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्स यानी 10 की बात करें तो 10 में है यहाँ पर C6H5, यानी कि ये बेंजीन है, फिनाइल रेडिकल है, ठीक है। O C2H5, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है सेम फॉर्मूला में। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको मेन चेन तो ये बन गया, बाद बाकी जो यहाँ सेपरेट हुआ वो हो गया इथॉक्सी, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन सेपरेट हो तो मिथॉक्सी, दो कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन सेपरेट है तो यहाँ पर इथॉक्सी, ठीक है। इथॉक्सी और इसका नाम क्या है, बेंजीन है, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी, और इसमें जो भी आईपीसी नेम बनेगा पैरेंट चेन में वो बेंजीन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन होता है, तो उन सब कुछ छोड़ो, वहां से ही बोलते आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट आप बेंजीन लिख सकते हो, इथॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो गया। एंड लास्ट वन इज, लास्ट वन ही है ना, नहीं, लास्ट वन नहीं है, 11 नंबर यहाँ पर दिखा रहे हैं, 11 नंबर में है C6H5O, फिर है C7H15, ये N लिखा हुआ है, N मतलब क्या, नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेट चेन है 7 कार्बन का, यानी कि हेप्टाइल रेडिकल है वो, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा हेप्टाइल है और ये हमारा बेंजीन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर कार्बन की संख्या इसमें क्या है, ज्यादा है ना, कार्बन संख्या ज्यादा है, तो ये हमारा मेन चेन बन जाएगा, ये हमारा ब्रांच बन गया, ब्रांच आएगा यहां पर ऑक्सीजन के साथ में, तो ये फिनाइल प्लस ऑक्सी, ये फिनॉक्सी कह सकते हैं इसको हम लोग, ये फिनॉक्सी हो सकता है, फिनॉक्सी, और ये हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन,
ये नॉर्मल चेन है तो ये हेप्टेन ही होगा और कुछ नहीं। नॉर्मल मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, ठीक है, सात कार्बन स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ पर नाम बन गया फिनॉक्सी हेप्टेन। 12 की बात करें तो 12 में क्या है, CH3 यहाँ पर है, यहाँ CH2 है, यहाँ OCH, यहाँ CH3 है, फिर यहाँ CH2 CH3 है। तो यहाँ पर मेन कार्बन चेन तो इधर से बन रहा है, देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा बन चुका है, हमारा जूनियर बन चुका है, इसके साथ इसको मिला दोगे तो ये बन जाएगा इथॉक्सी। ये क्या बन गया, इथॉक्सी बन गया। अब इथॉक्सी क्या है, इस पैरेंट चेन पर मिला हुआ है ये ब्रांच। काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 कर देंगे काउंटिंग हम लोग इधर से, तो काउंटिंग यहां से करेंगे तो हो जाएगा 2 पर इथॉक्सी, इसका नाम बन गया 2-इथॉक्सी। देखो पैरेंट चेन तो ये बन गया चार कार्बन का, ठीक है ना, उसमें ये इथॉक्सी ब्रांच है वो किधर से नजदीक है, तो इस इंड से नजदीक है, तो यहां से काउंटिंग किया 2-इथॉक्सी। और सिंपल बात है, चार कार्बन का ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड का एन हो गया, 2-इथॉक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो गया। तो बेसिकली उसी फॉर्मूला पर हम लोग नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं, आईयूपीएसी नेम को, तो उस फॉर्मूला पर उसका पकड़ कर लीजिएगा। एक्चुअली है क्या, सभी स्टूडेंट जो है अलग अलग तरह से फॉर्मूला पढ़ करके नोमेनक्लेचर बनाते हैं, ठीक है, कोई डायरेक्ट बनाता है, कोई रूल्स के साथ बनाते हैं, कोई कुछ, तो इस तरह से जो है वो हो सकता है कि हम यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर का रूल बतला रहे हैं वो आपसे थोड़ा सा अलग हो, बट एक्चुअली में नाम का जो तरीका होता है, आप जिस तरीके से बनाते हो, हम जिस तरीके से बनाते हैं, लेकिन नाम वही होना चाहिए, नाम बदलना नहीं चाहिए। तो तरीका जो भी हो, लेकिन जो बना है वो आपका उस तरह से ही बनना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि खुद से प्रैक्टिस करोगे इस सवाल पर, केवल देख के छाप नहीं लोगे, प्रैक्टिस खुद से करोगे तब जाकर के कुछ बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट में जरूर लिखना समझ में आया या नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।